सूरजघाट पुलिस चौकी के पास ई रिक्शा चालक को नशा सूंघा कर लूटी ई रिक्शा, बेहोश को कराया अस्पताल में भर्ती। गजरोला मुरादाबाद हाईवे पर बदमाशों ने लूट का नया तरीका अपनाना शुरू कर दिया है। लुटेरों ने पहले सवारी बनकर ई रिक्शा में बैठते हुए फिर संचालक को किसी वाहने से पान मसाला या कोई अन्य चीज खिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद वाहन लूट कर फरार हो जाते हैं। ऐसी ही वारदात गजरोला में हुई है। जहर खुरान गिरोह ने एक किशोर को पान मसाला नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी ई रिक्शा लूट ली। घटना के बाद मौके पर जुटी लोगों की भीड़ ने बेहोश ई रिक्शा चालक को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। हापुड़ जनपद शहर के गढ़मुक्तेश्वर गली नंबर 8 निवासी गोपाल का 15 वर्षीय पुत्र गौतम ई रिक्शा चलाता है। गढ़मुक्तेश्वर के चौराहे से चार व्यक्तियों को ब्रिजघाट में सामान सही तय कर छोड़ने के लिए आया था, जिसके बाद आरोप है कि ब्रिजघाट पहुंचने के बाद कुछ दूर और चलने के बाद कहकर उन्होंने उसे पान मसाला सूंघा दिया और खाते ही उसे हल्का सा नशा हो गया, जिसके बाद कुछ देर बाद वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। वहीं बदमाश ई रिक्शा लेकर मौके से फरार हो गए। आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल में जुट गई। हाईवे पर लूट की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस जाँच पड़ताल में जुटी है।